प्रदेश सरकार के विरोध में गन्ना किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में किसानों ने सरकार का विरोध किया और गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की। इसी कड़ी में जनपद अमरोहा में भी किसानों के द्वारा नेशनल हाईवे जाम किया गया और गन्ने की होली जलाई गई। जी हां, आपको बता दें कि नेशनल हाईवे जाम करते हुए किसानों ने गन्ने की होली जलाई और सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है। बड़ी ही उम्मीदों के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार ने किसानों के हित में कार्य नहीं किया और गन्ना मूल्य न बढ़ाकर किसानों के साथ अत्याचार किया है। किसानों ने सरकार से गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग की है और 400 से 450 रुपए तक निर्धारित करने की मांग की। किसानों का कहना है कि यदि मूल्य नहीं बढ़ाया गया तो किसान फिर से आंदोलन करेंगे। इस दौरान पुलिस के द्वारा भी सतर्कता बरती गई। गन्ने की होली जलाने के बाद किसानों ने SDM को एक ज्ञापन भी सौंपा। ये धरना है जो हमारी प्रदेश की सरकार है, इसने किसानों से वादा किया था कि इस बार गन्ने का मूल्य 25 रुपए से लेकर 40 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वादा भी कर लिया और मिल मालिक भी उस समय सहमत थे। भाई ये था कि 40 ना बढ़े, 25 बढ़ जाए, 30 बढ़ जाए। वादा करने के बावजूद उन्होंने एक पैसा नहीं बढ़ाया, पुराना रेट गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया। और इस सरकार ने सिर्फ अपने कार्यकाल में 3 साल में कुल 10 रुपए बढ़ाए। इसको लेकर किसानों में रोष है, उसको रोष को लेकर आज जगह जगह रास्ता जाम और गन्ने की होली जलाई गई है। अगर सरकार नहीं चेतती तो इसके बड़ा आंदोलन 21 तारीख को फिर जिलों पर है, जो जिलों पर धरना देंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। उसके बाद अगला जो भी कदम हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी बताएगी, उसके लाभ लगातार चलता रहेगा जब तक कि 450 रुपये गन्ने का मूल्य सरकार घोषित नहीं करती। अच्छा, उस सरकार साहब महंगाई की कैसे लगा सकते हैं? अभी पिछले दिनों बागपत में रैली हुई थी, वहाँ मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसान गन्ना ना बोए, गन्ने से डायबिटीज होती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गन्ने से कोई डायबिटीज नहीं होती। और गन्ना अगर कम भी बोए, अब तो गन्ने की परसेंटेज कम हो गई है, तो अब सरकार बताए क्या बोना है तो लोग गन्ना बंद कर देंगे। उसका विकल्प तो सरकार बताए ना, किसान कैसे जिंदा रहेगा? पश्चिम में गन्ना ही एक ऐसी फसल है जिससे अपने बच्चों को पढ़ा लेता है, अपने घर का रख रखाव कर लेता है। अगर ये भी गन्ना उन्हें नहीं बोया तो कैसे किसान की, जो तुमने कह रहे हो दुगनी आय होगी, कैसे आय हो जाएगी? अब भी इतनी महंगाई है, डीजल पे महंगाई है, बिजली पे महंगाई है, खाद पे महंगाई है, कोई चीज़ ऐसी किसान की सस्ती नहीं है। मजदूरी जो 250 रुपये थी वो 400 रुपये में गाँव में मजदूर मिल रहा है और गन्ने का रेट वहाँ के वहीं है। तो एक किसान के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि ये सबसे कमजोर है। अब ऐसी एक मूढ़ा जलाने की बात आ रही है, मूढ़े से कोई प्रदूषण नहीं होता, पत्ती से कोई प्रदूषण नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की डर से कि भाई किसान का गर्दन कमजोर है, साले को मूढ़े में इसे मुकदमे की गिनती कर दो। जबकि प्रदूषण 0.001% पत्ती से है, सारे वैज्ञानिकों ने बता रखा। पुराली यहाँ जलती नहीं, पत्ती यहाँ जलती नहीं, मूढ़े में जो वेस्टेज रह जाती है पत्ती कहीं कहीं कोई कोई, वो जलती है, उसका धुआं भी नहीं उठता। अगर आप बराबर में यहाँ खेत जला दें तो आपको पता भी नहीं लगेगा दीवार है तो कि कोई चीज़ जल रही है। तो सरकार ज़बरदस्ती जो है, मतलब एक तरह से इमरजेंसी टाइप घोषित कर रही है कि सबको दबा दो। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर सरकार किसानों को दबाएगी तो सरकार को किसान दबा देंगे, मौका आएगा वोट का तो हम उसे जवाब देंगे। यानी कि 2022 में आप बिल्कुल, अगर सरकार ने हमारा नहीं बैठा तो बिल्कुल विरोध में रहेंगे सरकार। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।